इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी वजह से ट्रैफिक मोड अपने यहाँ पर मैप पर लगा लेते हैं तो उसमें कुछ लाइनें शो करती हैं, कुछ लाइनें ड्रॉ होती हैं जिन्हें हमें समझना ज़रूरी रहता है। यहाँ पर हमें कुछ रेड जो है दिखाई दे रही हैं, कुछ यहाँ पर ग्रीन दिखाई दे रही हैं, कुछ यहाँ पर हल्के से ब्लू में दिखाई दे रही हैं। तो इनका मतलब क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे ना, बहुत सारी लाइन्स हमें दिखा रही हैं, ड्रॉ कर रही हैं। तो इनका मतलब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल के लिए यहीं से ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर तीनों लाइनें हमें शो कर रही हैं। देखिए, ये जो रेड कलर की जो लाइन रहती है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप इससे ये दर्शा सकते हैं या ये समझ सकते हैं, जो हल्की सी येलो होती है वो जाम तो होता है लेकिन रेड के मुकाबले कम होता है, यानी कि जाम थोड़ा कम होता है। ठीक है, फुल यहाँ पर नहीं होता है जाम। ठीक है, और यहाँ पर जो ये ग्रीन लाइन है और हल्के से ब्लू में आपको दिखाई देगी, यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल ना के बराबर है। आप विदाउट एनी यहाँ पर ट्रैफिक जाम के इस एरिए से निकल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है ये सब चीज़ें, क्योंकि हमें अगर किसी रास्ते से जाना होता है और वहाँ पर पूरे दिन का भी जाम लगा हुआ होता है तो वो भी दिखा देता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जाम भी होते हैं। अभी जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया वो थोड़ा कम जाम था, लेकिन यहाँ पर एरिए के हिसाब से बहुत बड़े बड़े यहाँ पर जाम आपको मिल सकते हैं। 5-10 किलोमीटर दूर तक के भी वो यहाँ पर आप समझ के इस लाइन से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है इन लाइनों का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।